बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भोपाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को कमजोर बताया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कमजोर होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी का सहारा ले रही है। प्रभात झा ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कहा कि इससे बीजेपी के प्रचार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि साध्वी प्रज्ञा को जनता के साथ भगवान का भी आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी हमारे साथ में। सर, प्रचार जो है दिग्विजय सिंह के लिए दूसरी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के पास जा रहे हैं, लाल सलाम दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। कल देखा था कि सीताराम येचुरी जो है वो भोपाल में थे। इसका मतलब है कांग्रेस कमजोर हो गई है, बेसाखियों का सहारा वे लेते हैं जिनके अपने शरीर में कमजोरी होती है। कमजोर कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाती है, कमजोर कांग्रेस अन्य दलों पर जाती है, इसलिए मजबूत लोग नहीं जाते। हम तो जनता के पास जाते हैं, वो दूसरी पार्टियों के पास जाते हैं। सर, तीन दिन के प्रचार पर जो बैन लगाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के एक बड़ा कारण सके कि पिछड़ रही हो या पार्टियां लगे? ना, देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, साध्वी प्रज्ञा जी निमित्त हैं, आज भी अनेकों मंदिरों में दर्शन करने गई हैं, इसी बहाने भगवान का आशीर्वाद और जनता जनार्दन, जनार्दन यानी भगवान, और उसके बाद शाम को शिवराज सिंह जी की आज रोड शो भी है, सभा भी है, सब कार्यक्रम सारे आठों विधानसभा में कार्यक्रम चल रहे हैं। सर, ये जो नाराजगी की जो बात थी कई जगह पर, क्या अब लग रहा है कि चुनाव चूंकि दो फेज लगभग हो चुके हैं, 6 तारीख को पोलिंग होना है मध्य प्रदेश के, उसको लेकर क्या ग्राउंड स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का फीडबैक आपके पास अब तक आया है? बीजेपी 27 से 28 सीटें जीतने जा रही है। भोपाल में दिग्विजय सिंह जी निश्चित तौर पर पिछड़ने की कोशिश में है, पिछड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात झा, सीधे तौर पर बीजेपी की जीत के लिए आश्वासन है, और दिग्विजय सिंह के दूसरे पार्टियों के सहयोग मांगने पर सीधे तौर पर कहना कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कमजोर है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी से सहयोग मांग रही है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।